हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको एक विद्यालय के बारे में और वहाँ के प्रधानाचार्य के बारे में बताया था, तो आज हम उसी के संदर्भ में एक दूसरे विद्यालय में जाने वाले हैं जहाँ वो पहले कार्यरत थे, और वो विद्यालय है हमारे गाँव में। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था कि मैं दूसरा ब्लॉक वहाँ उस विद्यालय में बनाऊँगा जहाँ वो पहले कार्यरत थे, तो चलो चलते हैं आज उस विद्यालय में और वहाँ के नज़ारे आपको दिखाते हैं कि उस विद्यालय में उन्होंने कितनी मेहनत की है विद्यालय को सुंदर बनाने में और राज्य स्तर पर सम्मानित करवाने में। तो चलो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहो, आगे चलते हैं और आपको वो विद्यालय दिखाते हैं। अभी हम हमारे घर से निकले हैं वहाँ पे जाने के लिए। तो दोस्तों, अभी हम पहले तो हमारे दोस्त के घर पे जाएंगे क्योंकि वो भी हमारे साथ आने वाला है। तो अभी हम आ गए हैं हमारे दोस्त के घर पे और उसको अंदर बुलाते हैं। तो दोस्तों, हम फाइनली हमारे दोस्त के घर पे पहुंच गए और ये रहा हमारा दोस्त। भाई पीछे हाय कर देना। हाय। ओके दोस्तों, ये है हमारे गाँव का राजकीय प्राथमिक विद्यालय। ये 5वीं तक है और हम जहाँ अभी जा रहे हैं वो 8वीं तक है। आगे है ये हमारा दोस्त जो हमारे साथ में आ रहा है। तो दोस्तों, अभी हम उस तालाब पे पहुंच चुके हैं जहाँ आपको मैंने पिछली बार बताया था। दोस्तों, ये रास्ता है वो पक्की सड़क से घूम के जाता है जो आसपुर डूंगरपुर मार्ग है वहाँ पे, और ये रास्ता हमारे विद्यालय के लिए शॉर्ट जाता है, तो हम इस रास्ते से चलेंगे। यह है तालाब जो मैंने आपको पिछली बार दिखाया था। थोड़ा यहाँ से आपको तालाब दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, यह रास्ता दोस्तों यह रास्ता विद्यालय के लिए शॉर्ट में जाता है। यहाँ ग्राम पंचायत में बहुत बार बोला है कि रास्ता साफ रखो, बार बार सफाई करवा दे रहो, इसको सीसी सड़क बना दो, लेकिन किसी ने भी विशेष ध्यान नहीं दिया। ये रास्ता विद्यालय के लिए शॉर्ट है, अगर बच्चे यहाँ से जाते हैं तो अच्छा रहता है। वहाँ पक्की सड़क से घूम के जाते हैं तो हादसे का डर बना रहता है। यहाँ कोई मर जाता है तो भी यहाँ से निकलते हैं, हमेशा समस्या रहती है, लेकिन कोई ध्यान देता है ही नहीं। तो रास्ता पूरी तरह से झाड़ियों से घिरा हुआ है। ये पीछे तालाब है बहुत बड़ा जो मैंने आपको पिछली बार दिखाया था। तो हम इसी रास्ते से अभी चलते हैं विद्यालय में। मैं इस रास्ते से इसलिए लेकर आया हूँ कि पिछली बार हमारे गाँव के भाई ने कमेंट किया था कि आप वो रास्ता दिखाओ ताकि लोगों तक पहुँचे और रास्ते का सही निराकरण हो सके। वैसे यहाँ बीच में बबूल के झाड़ भी बहुत हो गए हैं, वैसे इस रास्ते पे आता जाता तो कोई है नहीं, लेकिन अगर ग्राम पंचायत ज़्यादा अगर ध्यान दे तो यहाँ अच्छी सुरक्षा हो सकती है। वैसे दोस्तों, रास्ता इतना भी ख़राब नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ बीच में ही थोड़ी झाड़ियाँ हैं। बाकी यहाँ से लेकर विद्यालय तक तो आगे रास्ता ठीक ठाक है लगभग। अगर समय समय पर अगर साफ सफाई रखी जाए और बबूल की झाड़ियाँ कटवाते रहे तो रास्ते में दिक्कत होगी नहीं, पर साल में एक बार ही ध्यान देते हैं, ज़्यादा कोई ध्यान देता है नहीं, उस हिसाब से रास्ता थोड़ा ख़राब हो गया है। ये देखो, बाकी यहाँ से आगे ठीक, आगे से एक आगे ही थोड़ा ख़राब है, यहाँ तक तो ठीक है। दोस्तों, यह है नहर जो सोम कमला बा परियोजना से आती है। इसी नहर से हमारे गांव में गेहूं की सिंचाई होती है। ये जो सोम कमला बाँध है ना नासपुर में, वहाँ से आती है। तो चलो आगे विद्यालय की ओर चलते हैं। ये छोटा सा रास्ता है, यहाँ झाड़ियाँ ही बहुत होगी, इसी के बीच में हम जा रहे हैं अभी यहाँ शॉर्टकट में। तो दोस्तों, हम फाइनली विद्यालय के अंदर पहुँच गए हैं। ये विद्यालय का पिछला हिस्सा है। एक बार विद्यालय के पिछले हिस्से से आगे गेट पर चलेंगे, फिर वहीं से आपको पूरा विद्यालय का व्यू दिखाएंगे। पहले चलते हैं मेन गेट पर। ये विद्यालय का पिछला हिस्सा है। ये पुराना विद्यालय है जो पहले था, अभी उधर एक और नया बन गया है। तो दोस्तों, अभी हम फाइनली राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोटमोड़ी में पहुंच गए हैं जहां पहले पंकज जी साहब कार्यरत थे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो अभी अंदर प्रवेश करते हैं विद्यालय के अंदर। देखो, इस विद्यालय की स्थापना 18 सितंबर 1968 को हुई है। थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। चलो वीडियो के साथ बने रहो, आगे अंदर चलते हैं। गेट पर ताला लगा हुआ है तो हम यहाँ से कूद के जाएंगे, क्योंकि आज छुट्टी है, रविवार है इसलिए। तो हम फाइनली विद्यालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं।
और यहाँ से आपको विद्यालय की एक एक चीजें एक एक करके दिखाएंगे। चलते रहो दोस्तों आगे। ये यहाँ पे हाथ धोने के लिए नल लगे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको उस विद्यालय में दिखाया था। आगे जाना, चेक करना पानी आ रहा नहीं आ रहा। वहाँ चेक करना, पानी आवे से। वहाँ ठीक है। चल तो फिर आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यालय कितना सेंटीमीटर है, भोजनशाला कितना सेंटीमीटर है, सात शौचालय कितना सेंटीमीटर है। यहाँ से ये आपके स्वागत के लिए यहाँ थोड़ी राजस्थानी शैली में चित्र बनाया गया है। चलो यहाँ से आपको विद्यालय दिखाते हैं पूरा। ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोड मोड़ी। तो दोस्तों उधर से थोड़ी धूप आ रही है, इधर से दिखाते हैं आपको। यहाँ बना है, यह हुआ है माँ सरस्वती का मंदिर, और इधर से आपको विद्यालय का थोड़ा व्यू दिखाते हैं। ये देखो, यह राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोटमोड़ी, जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील के पुचपुर ग्राम पंचायत पुचपुर में आता है। यहीं थे पहले पंकज जी सर कार्यरत। ये भारत का नक्शा बना हुआ है यहाँ पे, ये बच्चों के खेल के लिए वो बनाया गया है। ये मतलब स्वास्थ्य संबंधी सूचना पट लगाई गई है कि आप स्वस्थ कैसे रहे, उसके लिए आगे सरस्वती के मंदिर में जाते हैं। यहाँ पे यह सरस्वती का मंदिर, विद्यालय के बरामदे में जाते हैं। यह है जवाहर नेहरू कक्ष, जैसा कि वहाँ दौड़े वाला विद्यालय में था उसी तो यहाँ भी बिल्कुल पेंट किया हुआ है। वही सर पहले यहाँ कार्यरत थे। तो देखो आप विद्यालय कितना अच्छा है। ये भी देखो, स्वच्छता के सातक घाट तत्व, मतलब शरीर को कैसे स्वस्थ रखे, शरीर को स्वस्थ नहीं रखने से बीमारियां क्या क्या हो सकती है, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। ये देखो आगे चलते तो आगे दिखाते हैं। ये महाना प्रताप कक्ष, ये है प्रधानाचार्य कक्ष। तो दोस्तों यहाँ से एक बार और विद्यालय का व्यू दिखाते हैं आपको। ये देखो, चलो अब आगे उधर पीछे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे मंच है, जो मतलब राजकीय विद्यालय में जो भी कार्यक्रम होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। आपको यहाँ पीछे से विद्यालय का थोड़ा व्यू एक बार और दिखा देते हैं। धूप आई थी तो दिख नहीं रहा था सही। ये देखो, ये है विद्यालय। यहाँ भी मतलब पूरा विद्यालय उसी तरह सिस्टमेटिक तरीके से सजाया गया है। ये बैठने के लिए वो बनाया गया है, इस पर भी पढ़ाई संबंधी चीज़ें छापी गई है। बिल्कुल, ये पक्षियों के दानों के लिए वो बनाया गया है चबूतरा। पहले वाला, अब उसको उधर जो नया बनाया गया मैंने आपको दिखाया अभी। तो यहाँ पहले पंकज जी शाह कार्यरत थे, उनके उपस्थिति में यह विद्यालय पहले इतना अच्छा बना है। अभी भी जो भी प्रधानाचार्य है वो भी इस विद्यालय को सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन पहले जैसा रहा नहीं। अब इतना वो कोई ध्यान देता है नहीं। वो आगे आगे चल के दिखाते हैं आपको, भोजनशाला बनी हुई है वो दिखाते हैं आपको। चलते हैं आपको यहाँ भोजनशाला दिखाते हैं। ये यहाँ पे भोजनशाला बनी हुई है बच्चों के खाने के लिए। गांव के कुछ बच्चे बैठे हुए यहाँ पे, ये हाथ धोने के लिए नल लगाए गए हैं। और यहीं पे हमारे गांव की होली जलती है, ये इसी गांव में जलती है। पूरा गांव मिलकर यहीं पे होली मनाता है। चलो उधर कुछ बाथरूम वगैरह दिखा देते हैं, जैसा कि उस विद्यालय में दिखाया था। यहाँ पे उसी सिस्टमेटिक तरीके से बाथरूम बनाए गए हैं। चलो वो दिखाते हैं आपको एक बार। ये देखो दोस्तों, जहाँ जिस तरह वहाँ रोड़े वाला में मतलब नल लगाया गया, उसी सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर भी नल लगाए गए हैं, ताकि जो सबसे बड़ा बच्चा हो वह यहाँ पे हाथ धो सके, इससे छोटा यहाँ पे, और जो सबसे छोटा हो वो यहाँ पे। ये दिव्यांग बाथरूम है, जैसे कोई पैर से चल नहीं पा रहा हो, जैसे कोई लंगड़ा हो, उसके लिए बाथरूम है अलग से। चलो अब आगे चलते हैं उधर को। विद्यालय का लगभग तो पूरा दिखा दिया, इधर वो है हमारा गांव आगे।
और ये है ये विद्यालय 1 से 8 तक है, और आपको मैंने उधर का भी जो दिखाया था वो 1 से 5 तक है। मैं इस विद्यालय में हालांकि पढ़ा नहीं हूँ, मैं उस विद्यालय में पढ़ा हूँ, लेकिन यहाँ पे परीक्षा अक्सर हमारी यहीं पे होती थी। तो लगभग तो मैंने आपको विद्यालय का पूरा व्यू दिखा दिया। अब यहाँ पे आगे थोड़ा और चलते हैं। ये यहाँ पर पहले आर ओ वाटर लगा हुआ था जो कि अभी बंद पड़ा है। ये पहले वाला पुराना विद्यालय अभी उधर है। इधर आगे और कुछ दिखाते हैं आपको थोड़ा सा और व्यू। ये भी हाथ धोने के लिए नल लगे हुए हैं यहाँ पे। ये आंगनवाड़ी थी पहले, जो अभी की बिल्कुल जंजर हो चुकी है, जंजर हालत में है। को यहाँ से दिखाते हैं अंदर। हाँ, हालांकि स्टाफ रहता है अंदर, पर फिर भी कलर पेंट पेंट वो हुए हैं नहीं, बिल्कुल बिगड़ चुका है। राधा कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे सामने। तो दोस्तों, ये है मेरे साथ मेरा दोस्त जो आया था। हमने अभी पूरा विद्यालय का व्यू दिखा दिया, अभी थक गए हैं थोड़ा, यहाँ बैठ गए। अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं और चलते हैं घर की तरफ। तो लगभग दोस्तों हमने आपको पूरा विद्यालय दिखा दिया जितना हो सके। थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ, मतलब बोलने में अभी भी थोड़ी हड़बड़ा होती है। ये तो झूला है यार इतना ज़्यादा, यहाँ पर भी बाथरूम बना हुआ है एक। तो चलो अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, दूसरा और वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को बाय।